दोस्तों आज हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है CAA नागरिकता संशोधन कानून NRC और NPR को लेकर के। जब से नागरिकता संशोधन बिल ने कानून का रूप लिया है तब से लगातार लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी जैसे बहुत सारे धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही गई है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को इसमें छोड़ दिया गया है। यहीं से विवाद शुरू हुआ और यहीं से इस कानून को लेकर के आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोगों का मानना है कि इस कानून में सभी धर्म के लोगों को शामिल किया जाए या फिर इस कानून को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार दूसरी तरफ ये तर्क दे रही है कि इस कानून में किसी की नागरिकता नहीं ली जा रही है, ये कानून नागरिकता देने का है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ये कानून क्या संविधान के हिसाब से सही है या गलत है। आज इस पे हियरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के। क्या बयान दिया है मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि नागरिकता संशोधन कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम चीजों पर प्रणब मुखर्जी बोलते हैं, लेकिन इस बार नागरिकता संशोधन कानून पे उन्होंने खुल के बोला है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहली बार इस कानून को लेकर के चुप्पी तोड़ दी है। वो सोमवार को इंडिया फाउंडेशन नाम के संगठन की तरफ से आयोजित द्वितीय अटल बिहारी वाजपेयी लेक्चर को संबोधित करने पहुंचे थे। कानून को लेकर के वो मोदी सरकार से इशारों में बोले कि जिन लोगों में ने वोट दिया है सरकार को उनकी भी सुननी चाहिए, यानी कि जिन लोगों ने सरकार को वोट नहीं दिया है सरकार को उनकी भी बात को सुनना चाहिए। प्रणब बोले कि सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। प्रणब मुखर्जी बोले कि बहुसंख्यकवाद और बहुमतवाद में अंतर होना चाहिए। वो बोले कि संसद का मजबूत होना जरूरी है, यानी कि इशारों में उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है उनको भी आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा, यह स्पष्ट तरीके से कहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।